कोई जहर नहीं दिया है। मतलब क्या है तुम्हारा? अरे तुमने उसके लिए सलाद बनाया, परोसा भी तुमने, तो जहर के हवा में से आके गिर गया, तुमने ही मिलाया होगा ना। खैर मैं तुम्हें बताती हूँ। दादी आप ये क्या कर रही हैं? किसी को कॉल मत कीजिए, मैं चाहती हूँ कि ये बात यहीं पे खत्म हो जाए। तो ठहर जा, इसको तो मजा चखाए बिना मैं रहूंगी नहीं। दी दादू बिल्कुल सही कह रही हैं, आप कैसी बातें कर रहे हो? क्यों ना करें हम पुलिस को फोन? अरे मेरा तो मन कर रहा है कि कहीं से जहर खरीद के इस मोना के मुंह में डाल दूं, लेकिन हम ऐसे कर नहीं सकते ना, क्योंकि हमें से है नहीं। इसने आपके जान लेने की कोशिश की है, इसको इतनी आसानी से छोड़ने की जरूरत नहीं है। दी दादू आप करो पुलिस को फोन, आप करो। ओ नो, दी तो इशारे कर रही है कि पुलिस को ना बुलाओ, इनको जहर नहीं दिया गया है। तो फिर दी झूठ क्यों बोल रही है कि मोना ने इनको जहर दिया? हाँ मुझे जहर तो दिया है, पर मैं नहीं चाहती कि पुलिस आकर मेरा सारा खेल खराब कर दे और मैं वो ना कर सकूं जो मैं करना चाहती हूँ। दादू पुलिस को फोन हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी पहले दी की बात सुन लेते हैं। हाँ आराम से। डॉक्टर आपने मुझे जो इंजेक्शन दिया है उसके बाद मुझे काफी बेटर लग रहा है, आई एम फीलिंग मच बेटर। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपने रिकॉर्ड में ये जरूर रखिए कि मोना ने मेरे सैलड में जहर मिलाकर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। यस। और ये भी चाहती हूँ कि मोना की अच्छे से तलाशी ली जाए, आई एम श्योर इसके पास से वो जहर भी जरूर मिल जाएगा। मेरे पास कोई जहर वहर नहीं है। जरूर है तुम्हारे पास जहर। कहाँ है? हमें क्या पता तुमने कहाँ छुपाया है। पॉकेट चेक करो, इसका पर्स चेक करो। वेट, मैं अपना पर्स लेके आती हूँ। जी नहीं, तुम अकेली नहीं जाओगी। तो मेरा पर्स है तो मैं ही लाऊंगी ना। हाँ तुम ही लेकर आओगी और खाली पर्स लेकर आओगी। हम क्या बेवकूफ है यहाँ पर जो तुम्हारी बात पे विश्वास कर लेंगे? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम पर्स लेकर आओगे और बोलेगी ये देखो मेरा पर्स, इसमें जहर की डिब्बी है, ऐसा करोगी तुम? तुम्हें पर्स लेके आने की कोई जरूरत नहीं है। नताशा एक काम करो, तुम जाकर मोना का पर्स लेकर आओ, चेक तो करें कि इसके बैग में कौन सा जहर है। जाओ। हाँ बेसमेंट में रखा होगा ना, अभी जाती हूँ, जाकर लेके आती हूँ। नहीं तुम और मोना अकेले नहीं, समीर तुम दोनों के साथ जाओ। हाँ जाऊंगा, चल समीर तू यहीं रुक, मैं जाता हूँ। नहीं नहीं ये आप लोग क्या कह रहे हैं, अगर इतने सारे लोग एक साथ नीचे जाएंगे तो महेश सर हाइपर हो जाएंगे और वॉयलेंट हो जाएंगे। ठीक कह रही है ये, वैसे भी तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तू कहीं नहीं जाएगी, तू यहीं रुक। लेकिन पर्स तो मेरा है ना, मुझे पता होगा ना कहाँ रखा है। ओ हेलो, पहाड़ में से राई का दाना ढूंढ के नहीं लेकर आना है, तुम्हारा पर्स है, छोटू सा होगा, बेसमेंट के किसी रूम में, कोई भी जाके कमरे में देख सकता है कि तुम्हारा पर्स कहाँ रखा हुआ है, वो लोग जाके लेकर आएंगे। करण जीजू आप प्लीज जाइए और इसका पर्स लेकर आइए। डैड मैं हूं करण। अरे वो रहा मोना का पर्स, करण अभी बिजी है, अभी ले लूं क्या? हाँ अगर उसमें सच में कोई जहर रहा तो निकाल के फेंक दूंगी। ये रहा। चले लेट्स गो। डॉक्टर मैं सही कह रही हूँ, मैंने प्रीता मैम को कोई जहर वहर नहीं दिया, ये सब मेरे खिलाफ एक साजिश है।
रुक जाओ, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। ये उसका पर्स। तो मुझे क्यों दे रही? डॉक्टर जी को दो, अभी तक डॉक्टर ही हैं जो सब जानती हैं। उनके सामने हुआ है जो कुछ भी हुआ है। हमने डॉक्टर को यहाँ इसीलिए बुलाया है क्योंकि उन पर हमें विश्वास है, वो जो कहेंगे हम वो मानेंगे। तो लेट हर ओनली चेक मोनास पर्स। नहीं, इसमें तो ऐसे कुछ नहीं है, मतलब जहर जैसा कुछ नहीं है। घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हो क्या? रोज रोज कोई नया ड्रामा। कब से कह रही हो मोना ने मुझे जहर दिया? कहाँ है जहर? हाँ जवाब दो, कहाँ है जहर? एक मिनट, ये तो वही जहर है जो प्रीता के रिपोर्ट में मिला था। देखा, मुझे नहीं पता मेरे पर्स में कहां से आया। ट्रस्ट में मुझे कोई क्लू नहीं है। जस्ट शट अप, ये पर्स तुम्हारा ही है। अब तुम्हारे पर्स में जो भी चीज है वो तुमने ही रखी होगी। अब बोल दो कि ये किसी ने साजिश की है, जो कि नहीं की है। डॉक्टर, मिस मोना, हम लोग मेडिकल प्रोफेशन में है जहां इंसान हमें भगवान की नजर से देखता है। उस नजर में रिस्पेक्ट होती है और उस रिस्पेक्ट के बेस पे वो अपनी जिंदगी हमारे हाथों में देता है कि हम उनको बचा लेंगे। लेकिन तुमने तो बचाने के बदले में उन्हें मारने की कोशिश की। डॉक्टर, मैं कह रही हूँ ना, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो फिर कैसे निकला तुम्हारे पास से जहर? मैं कह रही थी ना कि इसने मेरे सैलेड में जहर मिलाया है और अब तुम्हारे पास से वही जहर निकल भी गया है। तो प्रूव हो गया कि तुमने ऐसी हरकत की है। समझ में नहीं आता, जरा सा गुस्सा आ गया तुम्हें मुझ पर तो तुम इतनी घटिया हरकत पर उतर आई, मरने मारने पर तुल गई। हमने तुम्हें इस घर में इतनी रिस्पॉन्सिबल जॉब पे रखा हुआ है, इतनी सेंसिटिव जॉब पे रखा हुआ है, महेश पापा की देखभाल के लिए। अरे मेरी बात तो छोड़ो, महेश पापा कितनी बार अग्रेसिव हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, तो तुम उनका क्या हाल करती होगी? चाबुक चलाते हुए तो मैंने तुम्हें देखा है, आज तुम्हें जहर डालते हुए भी देख लिया। नो वंडर मैं इतने टाइम से सोच रही थी कि महेश पापा का ट्रीटमेंट इतने महीनों से चल रहा है तो वो बेटर क्यों नहीं होते? अगर उन्हें अच्छा खाना दिया जाता है, अच्छी ट्रीटमेंट दी जाती है, तो उनकी तबीयत ठीक क्यों नहीं होती? क्योंकि ये लड़की, इस लड़की में इतना गुस्सा है कि ये उनसे भी बदला लेती होगी। पता नहीं महेश पापा पे गुस्सा आता होगा तो उनके खाने में भी जहर मिला के ना उन्हें देती हो। डॉक्टर, इस घर में चलता फिरता बहुत बड़ा खतरा है, कभी भी किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। जरा सा गुस्सा आ गया तो उसके खाने में जहर मिला सकती है। ये लड़की तो बहुत डेंजरस है। I'm sorry, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब से अभी फायर करती हूँ। यू आर अ डेंजर टू माई होल फैमिली। डॉक्टर, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप बोल सकती हैं। नो ऑब्जेक्शन, इनफैक्ट मैं ही आपसे कहने वाली थी कि आप इसे इसी वक्त यहाँ से फायर कीजिए। शी इज रियली अ वेरी बिग डेंजर फॉर दिस फैमिली। तो आज तुमने मेरे एक मोहरे को मात दे दी। मोना और उसके चाबुक का खेल आज तुमने खत्म कर दिया। अच्छा खेल खेल गई हो तुम प्रीता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपना सामान उठा के यहाँ से इतने आसानी से चली जाओगी? नो मिस मोना, तुम जैसी नर्स के वजह से हम जैसे डॉक्टरों का नाम खराब हो रहा है। सो बी प्रिपेयर, मैं तुम्हारा कंप्लेंट
फेडरेशन में करूंगी और तुम्हें इस प्रोफेशन से बैन करवा दूंगी। अभी अपना सामान पैक करो और यहां से चली जाओ। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू मुझे नहीं, पृथ्वी जी को कहिए। इस सब का क्रेडिट पृथ्वी मल्होत्रा को जाता है क्योंकि इन्होंने बार बार मुझे फोन करके यहाँ आने पे मजबूर कर दिया। सृष्टि, रीता को अंदर लेकर जाओ, इसे रेस्ट की जरूरत है। पृथ्वी थैंक यू, और डॉक्टर को बाहर तक छोड़ा। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं डॉक्टर, जो भी इस फैमिली का वेलविशर, मैं उसका वेलविशर। आइए। इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। नो आई इंसिस्ट, आप आइए। आई बी राइट बैक। थैंक यू डॉक्टर। अपना ख्याल रखना। करीना बुआ, अब आप महेश पापा से जाकर बेसमेंट में मिल सकती हैं, और राखी माँ ने जो आपको उनके लिए जैकेट दी थी वो भी उन्हें दे सकती हैं। दी, क्या एक्टिंग किया आपने? अरे मुझे तो लगा था कि एक्टिंग में मैं माहिर हूँ, लेकिन आप तो सुपर क्लास है। मतलब अरे दादू इधर तो आओ, किसको पता भी नहीं चला कि दी एक्टिंग कर रही थी। अरे उनके सबको लगा कि उनके सैलेड में एक्चुअल में जहर था। अरे उससे बड़ा सिक्सर तो दी ने वो मारा है नर्स को जॉब से निकलवा के। लेकिन दी मुझे आपसे पूछना है, आपने ना वो रिपोर्ट्स की मैनिपुलेशन कैसे की? चुप कर, देखते नहीं उसको चक्कर आ रहा है। प्रीता कहीं ऐसा तो नहीं उसने सचमुच तेरे खाने में जहर डाल दिया था? जरूर इसके पेट में जहर है। ए भगवान, अब मैं सरला को क्या जवाब दूंगी? उसने कहा था कि इसको इस घर में नहीं भेजना है, और देख ले आते ही क्या चक्कर शुरू हो गया। एक मिनट, जहर है मतलब दी सच में जहर अंदर गया है? मुझे तो लगा कि आप एक्टिंग कर रहे हो। आप एक्टिंग नहीं कर रहे थे, मैं इतनी स्टूपिड कैसे हूँ? मैंने सोचा, आई एम सॉरी। अब क्या करें मुझे समझ में नहीं आ रहा, बताओ ना कुछ, आप कुछ बता क्यों नहीं रहे? शांत हो जाओ। हाँ सैलड में जहर था है? लेकिन वो जहर मोना ने नहीं डाला था, मैंने खुद ही डाला था। दादी मैं क्या करती दादी, मोना बहुत गलत लड़की थी, बहुत गलत काम कर रही थी। आपने नहीं देखा ना वो महेश पापा के साथ क्या क्या कर रही थी? अरे उन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी थी ना उसकी, उन्हें बीमार करते जा रही थी रोज के रोज। आपको तो ये भी नहीं पता है कि वो कभी कभी महेश पापा पे चाबुक चलाती थी। और तुझे कुछ हो जाता तो? दादी इसीलिए तो मैंने सैलेड की सिर्फ एक ही बाइट खाई और चकरा के गिर गई, इतना नुकसान नहीं हुआ। ऐसा कोई जहर मेरे पेट में नहीं गया, थोड़ा सा वो थोड़ा सा खाने की वजह से हल्के से चक्कर आ रहे हैं, दैट्स ऑल। इस मोना को तो घर से बाहर निकलवाना ही था कुछ भी करके। अब उसका झूठ मैं झूठ साबित नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सच क्रिएट कर दिया जिसके थ्रू वो कम से कम झूठी तो साबित हो। हाउ डेयर यू? कहा ना मैंने आपको, चाबुक तक चलाती थी वो महेश पापा पर, लेकिन वो बात भी मेरी किसी ने सुनी नहीं, इसीलिए मुझे ये सब जहर का ड्रामा करना पड़ा। अरे प्रीता तुझको कब अकल आएगी बेटा, उनकी गलती पकड़ने के लिए तूने अपनी जान जोखिम में डाल दी। जो कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते? दादी प्लीज आप चिंता मत कीजिए, इसीलिए तो मैंने आपको कहा मैंने सैलेड की एक ही बाइट ली थी जानबूझकर, और उसी के बाद चकरा कर गिर गई थी। बहुत इम्पोर्टेंट था दादी,
इस लड़की का इस घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी था। ये सिर्फ इतना ही गलत नहीं कर रही थी, ये लड़की और भी बहुत कुछ कर रही थी जो मैंने अपनी आंखों से देखा। ये तो मुझे पहले ही पता चल गया था कि ये एकदम गलत है, कुछ गड़बड़ कर रही है। तो मैंने सोच लिया कि मैं अपनी नजर इस लड़की पर रखूंगी। फिर दादी, आज महेश पापा के लिए जब ये लंच बना रही थी किचन में, तो मैं बहाने से किचन में गई और इसको कहा कि लैंडलाइन पर डॉक्टर का फोन आया है, तुमसे बात करना चाहते हैं। तो अपने साथ अपना बैग भी ले गई बात करने के लिए। और जैसे वो निकली, मैंने देखा कि महेश पापा को आखिर खाने को क्या दे रही है, तो उस खाने में से इतनी स्मेल आ रही थी, जैसे कि खाना बासा ही ना हो, उसमें कोई केमिकल भी मिलाया हो, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल। दादी, एक नर्स तो पेशेंट को ठीक करती है, उसकी भी पूरी देखभाल करती है, और ये लड़की महेश पापा को बीमार कर रही थी। अब यही बात अगर मैं डायरेक्टली मोना से कह देती या घर वालों को कहती, तो कोई मेरी बात नहीं सुनता ना मानता। उनको लगता मोना महेश पापा की नर्स है, वो जो कर रही है वो ठीक कर रही है। केमिकल की स्मेल कोई दवाई की स्मेल हो सकती है, कुछ भी कहते। इसलिए मेरे पास कोई चारा नहीं था। तब जाकर मैंने ये सब कुछ प्लान किया, क्योंकि इतना तो मैं जानती थी कि इस लड़की को इस घर से बाहर निकालना है। तो मैंने गिरीश भैया को फोन करके कहा कि आज सब्जी लेने गए हो तो बाहर ही रहना, घर वापस मत आना कुछ देर तक। और मोना से रिक्वेस्ट किया कि खाना वो सर्व कर दे, और ये भी कहा कि मेरे लिए सैलड बना दे, ताकि किसी को शक ना हो, सबको ये लगे कि मोना ने मेरे लिए सैलड बनाया। और उसके बाद मौका ढूंढते ही अपने सैलड में खुद ही थोड़ा सा मेरी भोली सीधी सादी प्रीता, इन लोगों को अकल सिखाने के लिए खुद कैसी हरकतें कर रही तुम? दादी, वो नर्स इतनी गलत थी कि उसको सीधा करने के लिए थोड़ा बहुत गलत करना भी पड़ा, तो कोई बात नहीं। अरे आपको नहीं पता, वो कोई डॉक्टर की बात नहीं सुन रही थी, पृथ्वी के इशारों पर काम कर रही थी। वरना आप ही सोचिए, इतने महीनों से महेश पापा का ट्रीटमेंट चल रहा है, उन्हें दवाइयां दी जा रही हैं, उन्हें खाना दिया जा रहा है, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहे। इनफैक्ट और खराब ही होती जा रही है उनकी तबीयत। क्यों? क्योंकि उनको ये सब गलत चीजें दी जा रही थी। दो दिन के लिए ये नर्स छुट्टी पर थी, तो महेश पापा की तबीयत इतनी अच्छी थी कि उन्होंने हमारे साथ आकर त्योहार तक मनाए। लोहड़ी पर वो कितने खुश दिख रहे थे, डांस भी किया उन्होंने, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर जैसे ये लड़की रात को आई, इसने कोई ना कोई चीज ऐसी महेश पापा के साथ की कि वो फिर से अग्रेसिव हो गए और फिर से उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें वापस बेसमेंट में बंद कर दिया। बस उसी रात को मुझे 1000% शक हो गया था कि ये लड़की पक्का कुछ गड़बड़ कर रही है। इसके आते ही महेश पापा बीमार कैसे हो जाते हैं और इसके जाते ही वो ठीक कैसे हो जाते हैं? फिर मैं उसी रात को महेश पापा से मिलने के लिए बेसमेंट में गई, तो पता है दादी मैंने क्या देखा? पृथ्वी इस नर्स को इतनी बड़ी गड्डी पैसों की दे रहा था। अब तुम्हें प्रीता से डरने की जरूरत नहीं है, तो अब याद रखना कि महेश लूथरा से कोई मिल ना पाए और उसे वही खाना तो जो हम उसे पहले देते थे। अब आप ही बताओ, वो इसे पैसे क्यों देगा? पैसे यानी नर्स की सैलरी तो लूथराज उसे देते ही है, तो ये अलग से पैसे देने का क्या मतलब है? फिर शायद मुझे कुछ आवाज हो गई, तो वो अलर्ट हो गया और ढूंढने लगा कि कौन है जिसने उसे देख लिया है। और इतना ही नहीं, पीछा करते 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 मेरे कमरे तक चेक करने आया कि कहीं मैंने तो नहीं देख लिया उसे नर्स को पैसे देते हुए, या मैं तो बेसमेंट में नहीं थी। अगर वो गलत नहीं हो तो पहली बात तो नर्स को पैसे नहीं दे, दूसरी बात ये जानने के लिए इतना डेस्परेट ना हो कि आखिर उसको नर्स के साथ देख किसने लिया, बेसमेंट में आया कौन था। ये दोनों मिलकर इतना गलत कर रहे थे,
अगर मैं सीधा सीधा कह देती ये मोना मुझे नहीं चाहिए, कोई और नर्स लेकर आओ, तो इस घर में कोई मेरी बात सुनने वाला था? इसीलिए मैंने ये सारा ड्रामा रचा ताकि प्रूव हो जाए कि मोना कितनी गलत है और महेश पापा के लिए कितनी खराब है, और फिर उसे खुद ब खुद सब घर से बाहर निकाल दे। और थैंक गॉड वो इस घर से निकल गई, चाहे उसके लिए मुझे इतना बड़ा खतरा मोल लेना पड़ा। दी, सबको लगता है कि आप बदल गए, लेकिन ये बात हमें पता है कि आप वही प्रीता दी हैं जो पहले हुआ करती थी। I just want to ask you why? क्यों? क्यों आप इन लोगों से इतना प्यार करते हो? इतना प्यार कि आपने अपनी जान जोखिम में डाल दी? नहीं, मतलब मोना आज गलत साबित हुई, लेकिन आज एक और बात साबित हो गई, आप इस परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हो।